हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेज फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूट्यूब चैनल। बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान सरकार ने अपने मंत्रियों को सभी विभागों का बंटवारा कर दिया है। अशोक गहलोत ने वित्त विभाग, आबकारी विभाग, आयोजना विभाग, नीति आयोजना विभाग, कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, गृह मामला और न्याय विभाग, मतलब जो भी मुख्य मुख्य विभाग है, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं। साथ में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को सार्वजनिक निर्माण विभाग मतलब PWD, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और सांख्यिकी विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा BD कल्ला को ऊर्जा मंत्री, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भूजल विभाग और कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग, BD कल्ला को भी अच्छे विभाग मिले हैं। शांति कुमार धारीवाल को स्वास्थ्य शासन, नगरीय विकास विभाग, विधि एवं विधि कार्य विभाग और संसदीय मामलात विभाग, प्रसाद लाल मीणा को उद्योग विभाग और राजकीय उपक्रम विभाग, मास्टर भंवर लाल मेघवाल को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, श्री लालचंद कटारिया को कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, रघु शर्मा को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य सेवाएं, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, प्रमोद भाया को खान विभाग, गोपालन विभाग, श्री विश्वेंद्र सिंह को पर्यटन विभाग, देवस्थान विभाग, श्री हरीश चौधरी को राजस्व विभाग, उपनिदेशन विभाग, कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, श्री रमेशचंद मीणा को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं उपभोक्ता मामले विभाग, श्री अंजना उदयलाल को सहकारिता विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग, श्री प्रताप सिंह खाचरियावास को परिवहन विभाग, सैनिक कल्याण विभाग, श्री साले मोहम्मद को अल्पसंख्यक मामलात विभाग, वक्फ विभाग और जन अभियोग निराकरण विभाग, गोविंद सिंह डोटासरा को बहुत महत्वपूर्ण विभाग मिला है, उनको शिक्षा विभाग मिला है। स्वतंत्र प्रभार के रूप में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, मतलब अगले शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा होंगे। इसके अलावा उनको पर्यटन विभाग और देवस्थान विभाग की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्री ममता भूपेश महिला एवं बाल विकास विभाग स्वतंत्र प्रभार के रूप में मिला है। जन अभियोग निराकरण विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग और वक्फ विभाग, श्री अर्जुन सिंह बामनिया को जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, उद्योग विभाग और राजकीय उपक्रम विभाग, श्री भंवर सिंह भाटी को उच्च शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, उपनिदेशन विभाग, कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास एवं जल उपयोगिता विभाग। दोस्तों, ये विभागों का बंटवारा है। इसमें श्री गोविंद सिंह डोटासरा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए, उनको शिक्षा मंत्री का विभाग मिला है। दोस्तों, और भी आपको लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही कोई नई न्यूज़ मिले मैं आपको सूचित कर दूँ। थैंक यू दोस्तों।